दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने लगी। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में जानेंगे, वो भी एग्जांपल के साथ। जो भी आपको सिंबल इसमें दिख रहे हैं 16 सिंबल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। 16 के 16 सिंबल जो भी होंगे उसको एग्जांपल के साथ इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों डीसी डायरेक्ट करेंट का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि आपको बैटरी जो होते हैं उसको उससे हमें डीसी पावर मिलता है, जो एडाप्टर होते हैं, जो मोबाइल चार्जर होता है, ये जो डायनोमो होता है, इन सब से हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है, डीसी पावर मिलता है। साथ ही साथ जो सोलर सिस्टम होते हैं इससे भी हमें क्या होता है, डीसी डायरेक्ट पावर ही मिलता है। ब्रिज रेक्टिफायर से भी हमें डीसी या डायरेक्ट करंट हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो डीसी डायरेक्ट करंट है उसका सिंबल और उसका कहाँ से सोर्स है, क्या सोर्स है, कैसे मिलता है, वो भी आपको समझ में आ रहा है। अल्टरनेटर करंट जिसे एसी कहते हैं, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप दोनों में से कोई एक सिंबल यूज करते हैं, ये हमें इन्वर्टर से मिलता है, अल्टरनेटर से मिलता है और विंड टर्बाइन से भी हमें एसी करंट मिलता है। तो या जनरेटर हो डीसी और डीजी है उसके द्वारा भी हमें आप क्या मिलता है, एसी करंट मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल, बैटरी और सेल में अंतर होता है। ये सेल का सिंबल है और सेल का सिंबल है, सेल में सिंगल आपको बैटरी देखने को मिलती है, सिंगल, जैसे कि इसे बैटरी नहीं कहेंगे, उसे डी सी डबल ए ट्रिपल ए या फोर ए या PP3, ये सारे क्या है आपका सेल है। और बैटरी क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक सेल जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा चार सेल को जोड़ करके बैटरी बनाया गया है या एक बड़ा बैटरी है आपको दिख रहा। अब बात करते हैं फ्यूज की, तो सिंबल आपको किस तरह से, आपको चार में से कोई भी एक सिंबल यूज कर लेना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको ग्लास फ्यूज दिख रहा है, ये सारे HRC फ्यूज है या किटकैट फ्यूज है, ये सारे फ्यूज आपको दिखने को मिल रहे हैं। फ्यूज का सिंबल आपको यूज किया गया है, डायग्राम में दिख रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आइसोलेटर का, आइसोलेटर आपको MCB की तरह दिखता है, लेकिन ये MCB नहीं होता है, ये सिंगल पोल थ्री पोल या फोर टू पोल थ्री पोल फोर पोल में ही आता है और सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। MCB की बात करें तो MCB का सिंबल कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है। आप सिंबल नोट कर सकते हैं, सिंगल पोल का डबल पोल ट्रिपल पोल फोर पोल तक आता है और इसमें थ्री पोल प्लस न्यूट्रल भी आता है। अब एनो पुश बटन की बात करें, नॉर्मली ओपन पुश बटन जिसे बोलते हैं, इसका सिंबल कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इस तरह का पुश बटन आपको कहीं भी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलता है। NC पुश बटन की बात करें तो नॉर्मली क्लोज पुश बटन का बोला जाता है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है और ये रेड कलर में नॉर्मली आता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में होता है ऑफ के लिए। बात करते हैं बेल का, तो सिंबल कुछ इस तरह से दिखता है। बात करें बजर का, तो बजर का सिंबल आपको इस तरह से देखने को मिलता है और ये इलेक्ट्रॉनिक बजर या इलेक्ट्रिक बजर हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल वही बनाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर का सिंबल आप इस तरह से बना सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। यूज फॉर SLD में आपको 1-2 में देख सकते हैं इनका यूज किया जाता है, सिंगल लाइन जो डायग्राम बनाया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से दिखता है और इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा लोड के पैरेलल में लगाते हैं। सिंपल है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये DC में कनेक्ट करके बताया गया, AC में भी आपको ऐसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है। एम्पियर मीटर बात करें, जैसे एमीटर बोलते हैं, आप इसका सिंबल देख सकते हैं और एमीटर आपको कुछ इधर से एनालॉग या डिजिटल मिल जाते हैं, इसको हम सीरीज में लगाते हैं, लोड के सीरीज में हमेशा एम्पियर मीटर को लगाते हैं, एमीटर को लोड के सीरीज में ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सिंबल समझ में आ रहा होगा, बल्ब और लाइट की जो सिंबल होती है आप इस तरह से देखने को मिलता है इंडस्ट्री में। आप बल्ब या सिंबल के जो भी डायग्राम बनाते हैं या जो भी आप जो डायग्राम तैयार करेंगे उसमें आप बल्ब का सिंबल इस तरह से, इंडिकेटर का सिंबल भी इसी तरह से आपको देना पड़ता है। बल्ब लाइट हो या कोई भी इंडिकेटर हो उसका सिंबल इसी तरह से आपको देना पड़ेगा। मोटर की बात करें तो सिंबल कुछ इस तरह से दिखना हो, थ्री फेज का हो, ये थ्री फोर सिस्टम में अगर डेल्टा में कनेक्ट करना है तो कुछ इस तरह से, और स्टार में कनेक्ट करना कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है स्टार डेल्टा में। मतलब कि आपको मोटर के ऊपर कनेक्शन कैसे करता है, थ्री फेज के लिए आप वो
इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, और जो डीसी और सिंगल फेज का है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फास्ट बनाया गया है वीडियो, और इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।